बिल्कुल साथ में हमारे गंगा मैया है और पहले हमने यहाँ बोटिंग करी। बिल्कुल सॉफ्ट बेस है, गार्डन पिज़्ज़ा देख कर दिल गार्डन गार्डन। जय गंगा मैया की। तो भाई फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत अच्छा रहा था, हमने काफ़ी कुछ खाया। अब एक काम करते हैं सेकंड पार्ट में चलते हैं, इसके अंदर हमने इटालियन आइटम्स लिए हैं तो पिज़्ज़ा का मज़ा भी आएगा खाने में। आपको गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हुए पिज़्ज़ा खाएंगे, साथ में हम खाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। आप इस व्यू को एंजॉय करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पास्ता ट्राई करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर व्हाइट सॉस पास्ता ले रहे हैं तो ये ट्राई करना तो बनता है। पहले आ गया बटर, दिखने पे पता चल रहा है कि अमूल का बटर है। चार उनकी है, चार लहसुन गार्लिक तो इसके बाद ही हो पाएंगे ना। ऊपर से आगे ज़ुकीनी और साथ में बेल पेपर। ये वेजिटेबल है दो नहीं दो बढ़िया। फ्रेश क्रीम हाँ, रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये आ गया दूध, उसके बाद भी हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल रही है यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है। फिर आ गया हमारा पास्ता, बस दो मिनट। संडे को क्राउड थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पे। दो प्लेन ऑर्डर ठीक है। ऊपर से भाई दो प्लेन ऑर्डर, ओरिगैनो, स्पाइसेस, नमक, और ये हल्की सी शुगर। चार प्लेन क्या ठीक है? ठीक है, इसके बाद चार प्लेन। ऊपर से मोज़रेला पास्ता है अपना बिल्कुल रेडी। चार प्लेन लगा दो ठीक है, चार प्लेन है सतीश। थोड़ी सी और ऊपर से मोज़रेला, ब्लैक ऑलिव्स, बढ़िया प्रेजेंटेशन आप कमाल की करके दे रहे हैं हर चीज़ की। चलिए गाइस व्हाइट सॉस पास्ता तुम्हारा आ चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत डिलीशियस लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ भी इन्होंने ऊपर से डाली है। निखिल भाई जी भाई आओ भाई पेट भरते हैं। बिल्कुल है तो टेस्टी भाई। एक चीज़ हो रहा है, शुगर थोड़ी ऐड करिए व्हाइट सॉस पास्ता में, मतलब मुझे याद नहीं मैंने कभी शुगर के साथ कभी खाया हो, याद हो मुझे। हल्का सा स्वीट हो चुका है व्हाइट सॉस पास्ता, बट ठीक है अपना टेस्ट बन रहा है, बढ़िया लग रहा है, बाकी बढ़िया क्रीमी चीज़ी खाने में तो दम है यहाँ पे। बट प्राइसेस भी हैं, 200 रुपये का पास्ता है, पर ठीक है मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। थोड़े पैसे आपको यहाँ खर्चने पड़ेंगे आने के लिए, टिकट भी थोड़ी सी महंगी है, बट वही बात है ऐसा एरिया शायद आपको आपके घर के आसपास नहीं मिलेगा। चलिए अब एक और आइटम ट्राई करते हैं नहीं कोई इटालियन में और ज़रा उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक सबसे स्पेशल वाला पिज़्ज़ा ले रहे हैं, भैया ने हमें रिकमेंड करा है, आपने कौन सा पिज़्ज़ा बताया सबसे बढ़िया? गार्डन फ्रेश पिज़्ज़ा। गार्डन फ्रेश ठीक है भैया। ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस आ गई, यहाँ आपने अपने मेन्यू में हर चीज़ ऐड कर रखी नियरली है ना, बोले कुलचे भी है यहाँ पे, मतलब नॉर्थ इंडियन फूड भी है, स्नैक्स भी है, चाइनीज़ भी, इटालियन भी, मतलब और वो भी गाइस मैंने इटालियन तो टेस्ट कर ही लिया, इनफैक्ट मैंने पास्ता टेस्ट करा भी और मैंने चाइनीज़ भी टेस्ट करा था पिछली वीडियो में, तो खाना तो बहुत टेस्टी है। ऊपर से आ गई चीज़ ब्लेंड। क्या प्राइस है गार्डन पिज़्ज़ा का? प्राइस है 225 रुपये। 225 ये चीज़ मोज़रेला चीज़ सही है। बढ़िया बिल पेपर कैप्सिकम जी। कॉर्न सैंड अनियन भी है जी। ये गार्डन वाले में मेनली क्या सब रहता है, मिक्स रहता है मतलब? हाँ मिक्स वेजिटेबल रहती है। ठीक ये अनियन हुँ.
ठीक है, अब डायरेक्ट जाएगा ओवन के अंदर। तो पिज्जा हो चुका अपना बिल्कुल रेडी, बहुत सही। अब यहाँ कट होगा, देखेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर फिल हो रखा है बिल्कुल। बढ़िया, चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं और इन्जॉय करते हैं बढ़िया सा चीज़ी दिखने वाला पिज्ज़ा। तो चलिए भाई पिज़्ज़ा खाते हैं। पहले आप देख लीजिए गार्डन पिज़्ज़ा आ चुका हमारा स्पेशल, 225 रुपए का। प्राइस थोड़े से हाई रहेंगे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, बट चीज़ ठीक लग रही है। निखिल भाई, हाँ भाई, चलिए खाते हैं इन्जॉय करते हैं। फ्लेक्स मोज़रेला तो इन्होंने डाली थी और देखिए ज़रा चीज़ फुल भी ठीक आ रहा है भाई। भाई बेस बिल्कुल सॉफ्ट है, आप थोड़ा आपको क्रिस्पी पसंद है या सॉफ्ट पसंद है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने कहा ना मुझे वो टेस्ट आ रहा है जो शादियों में पिज़्ज़ा नहीं होता थोड़ा। बिल्कुल सॉफ्ट बेस है, बहुत ज़्यादा फ्लफी है। कैसे लग रहा है? बढ़िया है। गार्डन पिज़्ज़ा देख कर दिल गार्डन गार्डन हो गया। सही बात है। अब एक्चुअली इनके पास काम इतना ज़्यादा है कि फ्रेश बेस का यूज़ तो नहीं कर पाते, बट जो भी है पिज़्ज़ा वैसे टेस्टी है, पिज़्ज़ा में कमी नहीं है कुछ खास। एंड टू एंड तक फिल हो रखा है। नहीं यार टेस्ट तो यार यहाँ की हर एक आइटम में है निखिल भाई जी। चार पांच आइटम टेस्ट कर ली, कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये नहीं लेना चाहिए, सारी आइटम एक से बढ़ के गया। खाने में कोई कमी नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खा के जाओगे तो दोबारा नहीं खाओगे। यहाँ पे ऐसा है कि एक बार आपने खा लिया, स्टार्टिंग वाले टाइम आपको महंगा लग सकता है लेकिन सेकेंड टाइम से आप टेस्ट के लिए आओगे यहाँ पे और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आओगे। जगह बढ़िया, टाइमिंग कैफ़े की क्या रहेगी? 7:30 बजे आरती होती है नीचे गंगा जी की। जब से बनारस में हम लोग ने आरती देखी है तो वैसे घाट पे सेम वैसी आरती यहाँ पे होती है, बड़े बड़े यहीं पे यहीं पे होती है। क्या बात है यार, बहुत प्यारी बात है, इतना सारा मजा है एक ही जगह हो जाता है। हाँ। एकदम तब यहाँ एकदम जैसे गंगा घाट में आरती होती है। हाँ। वैसे यहाँ पे आरती होती है। अच्छा, सच में यार मज़ा आ जाता होगा, मैं सोच सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे इतना मज़ा आ रहा है तो उस टाइम पे तो कितना ज़्यादा और पॉजिटिविटी आ जाती होगी एनवायरनमेंट में, है ना। बहुत बढ़िया जगह है, मज़ा आ गया। कानपुर आके ना हमेशा दिल को सुकून मिलता है ना।